हेलो फ्रेंड्स, कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके पास लाए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू। ये है कि बिल्डर आपकी अर्नेस्ट मनी काट लेता है जब कभी आप किसी वजह से बुकिंग करने के बाद अपना बुकिंग कैंसिल कराते हैं। अमूमन ये होता है कि बिल्डर बहुत डिले कर देता है, पैसे लेने के बाद भी जो समय नियत होता है आपको पोजीशन देने का, उससे बहुत पहले आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बिल्डर का तो काम शुरू ही नहीं हुआ। आपसे एक दो किस्तें मांग भी ली जाती हैं, कुछ पैसा आपने जमा भी करा दिया होता है, फिर भी कहीं आपको दिखाई नहीं देता कि कोई काम चल रहा है। इसलिए आप असमंजस में होते हैं कि हम इसको अपनी बुकिंग को कैंसिल करा दें। दूसरा, कई बार आपको बैंक से लोन नहीं मिलता। जब आप बैंक को अप्रोच करते हैं तो कभी तो ये कहकर कि ये लैंड उपयुक्त नहीं है या अप्रूवल्स नहीं है या किसी भी कारण बैंक आपको लोन देने से मना कर देता है, तो ऐसी स्थिति में भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिना लोन लिए आप अपना मकान की पूरी किस्तें नहीं चुका सकते, इसलिए भी आप कैंसिल करना चाहते हैं। और तीसरी बात, कई बार इतना डिले हो जाता है ऑन द पार्ट ऑफ डेवलपर, पर होता ये कि कॉस्ट एक्सकेलेशन हो जाती है और बिल्डर आपको फिर नोटिस देता है कि इतना पैसा और देना पड़ेगा। तो ये कुछ स्थितियाँ होती हैं जिसके कारण आपको अपना बुकिंग कैंसिल करनी पड़ती है। किंतु जो आपने टर्म्स एंड कंडीशंस साइन की होती हैं एग्रीमेंट में, उसके अनुसार आपकी अर्नेस्ट मनी काट ली जाती है। किंतु ये का केस एक यूनिक केस है, इसके फैक्ट्स को ध्यान से जानिए। इस केस में, केस का नाम था राकेश कुमार बोहरा एंड अदर्स वर्सेस वाटिका लिमिटेड। ये केस 15 फरवरी 2022 को डिसाइड हुआ है और इसमें बहुत ही ड्रास्टिक निर्णय लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। गुड़गांव में एक प्रोजेक्ट था डेवलपर का, वाटिका के नाम से आपका टावर बनना था और इसमें कुल लागत थी 37,04,043 रुपया। बहुत बड़ा अमाउंट था और कंज्यूमर ने सारा पैसा दे भी दिया था 2017 में ही, इतना पैसा दे दिया था। फिर उसको बैंक से लोन लेना था। बैंक से लोन लेने के लिए जब उसने एप्लीकेशन दी तो उसको बैंक लोन मिलने से मना हो गया और ये कहा कि आप एग्रीमेंट दिखाइए। कंप्लेनेंट ने डेवलपर से कहा कि आप एग्रीमेंट कर लीजिए क्योंकि बिना एग्रीमेंट के बैंक लोन नहीं दे रहा। 2015 में डेवलपर ने एग्रीमेंट की कॉपी साइन करने के लिए कंप्लेनेंट को भेजी। एग्रीमेंट की कॉपी को देखने के बाद, पढ़ने के बाद कंज्यूमर ने ये पाया कि इसमें तो बहुत ही अनरीजनेबल क्लॉजेज हैं जो उसको मंजूर नहीं है। ये क्लॉजेज अगर वो एडमिट करता है या उस पर साइन करता है तो उसको बहुत नुकसान होने वाला है और इतना महंगा फ्लैट वो अफोर्ड नहीं कर सकेगा। तो उसने डेवलपर से कहा कि ये पर्टिकुलर कुछ एग्रीमेंट की क्लॉजेज हैं, इनको आप हटा दीजिए तो मैं साइन करता हूँ। इस बीच में बिल्डर ने 5,92,367 का और डिमांड कर दी कि एरिया इंक्रीज हो रहा है आपका और इसके लिए आपको एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ेगी। ये सारी बातें कंज्यूमर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गई। एक तो वो क्लॉजेज अनरीजनेबल थी और दूसरा फर्दर डिमांड थी। तो कंप्लेनेंट ने कहा कि मैं इस तरह से नहीं चल सकता, आपको क्लॉजेज बदलनी पड़ेंगी। इसके लिए डेवलपर ने थ्रेटन किया कि आपकी अर्नेस्ट मनी काट ली जाएगी, आपको पैसा काट कर दे दिया जाएगा और आपका बुकिंग कैंसिल कर दी जाएगी। इस थ्रेटनिंग के बाद कंज्यूमर कोर्ट में गया और वहाँ पर कंप्लेनेंट ने बताया कि प्रोजेक्ट का अप्रूवल भी नहीं लिया है बिल्डर ने या उसे दिया नहीं है और इस तरह की थ्रेटनिंग दी जा रही है और ये क्लॉजेज अनरीजनेबल हैं, तो कोर्ट इस पर फैसला करे और मेरा कैंसिल करने के लिए थ्रेटनिंग दिया जा रहा है, मुझे कैंसिल नहीं करवाना है, मुझे क्लॉजेज ही बदलवाने हैं। हरियाणा स्टेट कमीशन के सामने पहले ये केस गया जिसमें कंप्लेनेंट ने 24% इंटरेस्ट के साथ टोटल रिफंड मांगा। बिल्डर की प्ली क्या थी? बिल्डर ने वहाँ पर प्ली ली कि बैलेंस मनी कंज्यूमर ने पे नहीं की, जब पेमेंट नहीं आ रही तो वो आगे कैसे चले और उसके उसको एज पर लॉ
उसको कैंसिल करना पड़ेगा। दूसरा, एग्रीमेंट भी साइन नहीं किया, जब तक एग्रीमेंट साइन नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए अगर बुकिंग को वो कैंसिल करते हैं तो अर्नेस्ट मनी काटनी ही पड़ेगी। और तीसरा तर्क ये दिया कि कंज्यूमर तो कमर्शियल पर्पसेस के लिए फ्लैट खरीद रहा है, ये फ्लैट को खरीदेगा और बेचेगा और प्रॉफिट कमाएगा, इसलिए वो कंज्यूमर बनता ही नहीं। सारी चीज़ों पर निर्णय डिस्कशन हुई स्टेट कमीशन ने और नेशनल कमीशन ने, ये पाया कि बिल्डर का कोई भी तर्क मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो वो कोई ऐसा प्रमाण दे सका जिससे ये बता सके कि कंज्यूमर कमर्शियल पर्पसेस के लिए फ्लैट खरीद रहा है, न ही उन क्लॉजेस को रीजनेबल माना गया, क्लॉजेस सारी अनरीजनेबल थी और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंडर आती थी, इसलिए नेशनल कमीशन ने स्टेट कमीशन ने दोनों ने कंज्यूमर के फेवर में ऑर्डर किया और सुप्रीम कोर्ट ने इसी ऑर्डर को कंफर्म करते हुए ये कहा कि ऐसी स्थिति में अर्नेस्ट मनी नहीं काटी जाएगी। ये एक यूनिक केस था, आज तक जितने भी ऑर्डर्स हुए हैं उनमें सब में ये है कि भाई आपने एक एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है तो यू आर बाउंड बाय दोज टर्म्स। इस प्रेजेंट केस में एग्रीमेंट पे साइन करने से मना कर दिया था कि मैं इन क्लॉजेस को एक्सेप्ट नहीं करता, और इसकी और कंप्लेनेंट की इस प्ली को सही माना, क्योंकि एग्रीमेंट पे साइन हुआ ही नहीं था तो डेवलपर के पास उसके जो पैसे पड़े हैं वो विद इंटरेस्ट उसको वापस करेगा ही, उसमें किसी तरह की डिडक्शन करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ना तो उसने एग्रीमेंट साइन किया है ना एग्रीमेंट की कंडीशंस से बाउंड है। अब जो पैसा है उसका एक तरह से बिल्डर ने उसका पैसा लिया है और उसका पैसा देना है। तो फ्रेंड्स, ये आई ओपनर केस है जिसमें आपको यदि लगता है कि कोई एग्रीमेंट की क्लॉजेस आपके फेवर में नहीं जा रही, अनरीजनेबल है, आप प्रमाणित कर सकते हैं तो मत साइन करिए एग्रीमेंट को, आपकी अर्नेस्ट मनी नहीं काटी जाएगी जब तक आप साइन नहीं करते। ये तो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि आप जिन भी क्लॉजेज पर साइन करते हो आप उसके लिए बाउंड होगे, व्हाटसोएवर अनरीजनेबल दे आर। अनरीजनेबल होने पर भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आप उससे बाउंड होते हैं, किंतु ध्यान रखिए अगर आप साइन नहीं करना चाहते, यू कैन विड्रॉ योर मनी, यू कैन कैंसिल योर बुकिंग एंड टेक मनी बैक। इससे डेवलपर्स को एक बड़ा लेसन मिलने वाला है कि बिना किसी कारण और औने पौने दामों पे और औने पौने कारणों से इधर से उधर से काट कूट के फट से जब वो कैंसिल करने के थ्रेटनिंग देते हैं और फिर ऊंचे दामों पर अपने फ्लैट को बेच देते हैं, तो ये प्रैक्टिस अब लंबी नहीं चलने वाली। कंज्यूमर कैन रिफ्यूज इन बिटवीन एंड आस्क फॉर द अमाउंट, टोटल अमाउंट विद इंटरेस्ट, जिस इंटरेस्ट से आप लेट पेमेंट लेते हो। ये रेरा एक्ट में ये बात आ चुकी है कि डेवलपर केवल अपनी मर्जी से उतना ही कंपनसेशन दे और वैसे ही क्लॉज लगाए, ये उसके बस में नहीं है। अगर वो 24% इंटरेस्ट लेता है लेट पेमेंट पर कंज्यूमर से, तो उसको भी उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा वापस करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये आई ओपनर केस है, इसको ध्यान में रख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन इन द हैंड्स ऑफ डेवलपर। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे चैनल को। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें, और हम फिर बने रहेंगे, फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह के इसी नए इशू के साथ। थैंक्स।